दोस्तों, जो घर में बच्चे रहते हैं वो हमारे सबकी हैप्पीनेस का, खुशियों का कारण रहते हैं। लेकिन बच्चे जब किचन में जाने लगते हैं तो हमें डर सताता है। किचन जो है उनके खेलने का सबसे अच्छा उनको नज़र आता है जगह, लेकिन साथ ही साथ किचन के अंदर जो है माइक्रोवेव रहती है, चिमनी रहती है, कई सारे स्मॉल अप्लायंसेस रहते हैं, गरम गरम हमारे कुकर वगैरह रहते हैं, या फिर जो आपके फर्नीचर बना हुआ है वो रहता है, शार्पी टूल्स रहते हैं जैसे कि चाकू रह गया, छुरे रह गए, तो हमें डर लगता है कि कहीं बच्चे उससे नुकसान ना कर लें। तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक के ऊपर है कि क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, क्या ऐसी टिप्स हैं जो मॉड्यूलर किचन को डिज़ाइन करते टाइम हमें ध्यान रखनी चाहिए ताकि हमारे किचन को किड्स फ्रेंडली बना पाएं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए, और कॉन्टैक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हमारा है वो है काउंटर टॉप की हाइट के बारे में, क्योंकि दोस्तों काउंटर टॉप के ऊपर ही अपना कुकिंग रहता है। तो हमें जो काउंटर टॉप की हाइट है वो स्टैंडर्ड 32 से 35 इंचेस रखनी चाहिए ताकि छोटे बच्चे अपने जो कुकिंग गैस स्टव है उस तक एक्सेस ना कर पाए। साथ ही जो आपके माइक्रोवेव रहते हैं या फिर जो इस तरह के अप्लायंसेस हैं, मिक्सर ग्राइंडर होते हैं, उसको आपको कैबिनेट के अंदर रखना चाहिए, कंसील्ड रखना चाहिए। और माइक्रोवेव अगर आप ओपन रख रहे हैं तो उसको आपको एट सर्टेन हाइट यानी कि 45 इंचेस के ऊपर रखना चाहिए, आई लेवल पर रखना चाहिए ताकि काम करने में भी इजी रहे और वो किड्स के एक्सेस में भी ना आ पाए। तो ये पहला पॉइंट है कि अपने को अप्लायंसेस को इस तरह से मैनेज करना है कि वो आउट ऑफ किड्स रीच हो, मतलब किड्स की एक्सेसिबिलिटी से दूर रहें। दोस्तों, किचन के अंदर नाइव्स रहते हैं, काफ़ी सारे तरह के टूल्स रहते हैं, कटिंग टूल्स रहते हैं, तो इनको अपने को इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि किचन में वो बच्चों की एक्सेसिबिलिटी में ना आए। उसके लिए एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप इस तरह की जो रॉड्स हैं ये अपने बैक स्प्लैश के ऊपर प्लेस कर सकते हो, टाइल्स के ऊपर प्लेस कर सकते हो, और उसमें इस तरह के जो हुक्स आते हैं ये लगा सकते हो। इसके ऊपर आप जो है ईजिली अपने नाइव्स को और जो इस तरह के टूल्स हैं इनको हैंग कर सकते हो। तो ये एक अच्छा तरीका है अगर आपके घर में किड्स हैं तो आप इनको आउट ऑफ किड्स रीच रखने के लिए। सेकेंड तरीका जो है दोस्तों, इस तरह की आप कटलरी ड्रॉर्स यूज़ कर सकते हो जिसके अंदर आप अपने जो है किड्स से एक्सेस ना हो, इस तरह से चाकू छुरे वगैरह इसके अंदर भी मैनेज कर सकते हो। इसके अंदर जो है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ड्रॉर्स की सेफ्टी कैसे मैनेज करनी है। बाकी ये हो गया अपना रिगार्डिंग नाइफ्स एंड ऑल। दोस्तों, मॉड्यूलर किचन के अंदर बहुत कॉमन चीज़ है कि पानी ढुल जाता है, मतलब अपनी फ्लोरिंग के ऊपर पानी ढुल जाता है। ऐसे में आपको बच्चे अगर किचन में आ जाते हैं तो उनके फिसलने का और उनके लगने का डर रहता है। तो आपको जो फ्लोरिंग मटेरियल है वो काफ़ी केयरफुली चूज़ करना चाहिए। फ्लोरिंग मटेरियल के अंदर आप जो रफ़ टाइल्स होती हैं, जो मैट फिनिश की जो टाइल्स होती हैं उनको काम में लीजिए, या फिर जैसा हमने इस तरह का विनाइल फ्लोरिंग भी आप काम में ले सकते हैं। ये जो है काफ़ी रफ़ रहता है और इसके अंदर किसी भी तरह का जो है फिसलन की प्रॉब्लम नहीं आती, इवन अगर पानी अपना गिर जाता है। तो किचन का जो फ्लोरिंग मटेरियल है हमें केयरफुली चूज़ करना चाहिए बच्चों के रहते हुए। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है शार्प एजेस ऑफ फर्नीचर एंड काउंटर टॉप। इसका मतलब ये दोस्तों कि जो आपका काउंटर टॉप रहता है इसके जो एजेस है हमें इसकी मोल्डिंग करा लेनी चाहिए, इसको हाफ राउंड मोल्डिंग भी बोलते हैं या फिर नॉर्मल मोल्डिंग करा लेनी चाहिए ताकि जो है एजेस ही कर्व हो जाए, ये तीखे ना रहें, जिससे आपके बच्चों को लगने का डर ना रहे। इसी तरह से आपके जो पल्ले रहते हैं, ये जो पल्ले का शटर रहता है इसको भी आपको राउंड वाला शेप ले जाना चाहिए, यानी कि जो सरफेस है उसको कर्व करा लेना चाहिए, इससे आपके बच्चों के लगने का डर नहीं रहेगा। इस तरह का जो शटर रहता है कर्व वाला, या फैक्ट्री में जब फिनिश करवाओगे शटर को तो एज बेंडिंग लगा के राउंड कर दिया जाता है ताकि बच्चों के लगने का डर ना रहे। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग शार्प एजेस इन फर्नीचर काउंटर टॉप। दोस्तों, किचन में काफ़ी सारे ऐसे डिसइंफेक्टेंट रहते हैं जैसे कि क्लीनिंग मटेरियल रहता है, जो बर्तन धोने के या फिर आपकी फ्लोरिंग क्लीन करने के सामान रहते हैं, उनको भी आपको बच्चों की रीच से दूर रखना चाहिए, क्योंकि कई बार वो उसको भी खा सकते हैं या फिर मुंह में ले सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, जैसे आपका एक कैबिनेट बना हुआ है, इस कैबिनेट के अंदर आप जो है डिटर्जेंट पुल आउट दे सकते हो ताकि जो है वो उसके अंदर आपके सारे डिटर्जेंट वाले मैनेज हो जाएं। लेकिन अब इसमें खास बात क्या है कि ये बच्चा जो है आपका पल्ला नहीं खोल पाए। इसके लिए आजकल कई सारे किड्स सेफ्टी लॉक्स आते हैं, इसका जैसे आप फोटो भी देख रहे हो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहाँ से आप जाके बाय कर सकते हो, जिनको आप ड्रॉअर्स के ऊपर और अपने कैबिनेट के ऊपर प्लेस करके उसको लॉक कर सकते हो ताकि आपके जो छोटे बच्चे हैं, टूडलर्स हैं, वो उसको इजीली ओपन करके सामान अंदर का ना निकाल पाए। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो आप अच्छी सी छोटी सी सस्ता सा आइटम, एक इकोनॉमिक ग्रेड का आइटम, इसको यूज़ करके आप किड सेफ्टी बढ़ा सकते हो अपने किचन की। इसी से रिलेटेड दोस्तों एक पॉइंट ये भी कि जो ड्रॉर्स आती हैं इसके अंदर आप सॉफ्ट क्लोज मैकेनिज्म वाली ड्रॉर्स काम लीजिए, क्योंकि इसको ओपन करना ईजी नहीं होता, इसमें थोड़ा सा आपको फोर्स करना पड़ेगा तब जाके ये ड्रॉर्स ओपन होती है। इसलिए आप जो है सॉफ्ट क्लोज वाली जो ड्रॉर्स रहती है ना ये लीजिए काम में, और इसको जब आप बंद करोगे तो ये नीचे से आके लॉक हो जाती है, यहाँ लॉक हो गई है तो ईजिली ओपन नहीं होगी है।
तो इस तरह की सॉफ्ट क्लोज वाली ड्रॉर्स काम में लीजिए। साथ ही जो ड्रॉर्स रहती है उसको लगाने के लिए भी सेफ्टी लॉक अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। अगर आपके मान लीजिए पुराना किचन है, अब आपको किट सेफ्टी बनानी है, आपके पहले नॉर्मल क्लोज चैनल लगी हुई है, तो इस तरह की किट सेफ्टी लॉक्स यूज करके, डिवाइसेज यूज करके आप अपनी ड्रॉर्स को आउट ऑफ किट्स एक्सेस बना सकते हो, ताकि बच्चे उसको खोल नहीं पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, मेक्स किड्स डेडिकेटेड पेंट्री और आइलैंड काउंटर्स। इसका मतलब ये दोस्तों कि कई सारे ऐसे सामान होते हैं, स्नैक्स होते हैं, जो बच्चों को चाहिए रहते हैं मॉड्यूलर किचन के अंदर से, कि वो जल्दी से अपने जो स्नैक्स है या फिर जो उनको खाने के आइटम है उनको एक्सेस कर पाएं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, एक कम हाइट का पेंट्री यूनिट कह सकते हो आप उसको, ऐसा डिज़ाइन कर सकते हो कैबिनेट, वो ऐसी जगह पर रखें जो किड्स को इजीली एक्सेसिबल रहे, ताकि उनके जो मतलब का सामान है, जो उनको चाहिए, वो उनको इजीली मिल जाए और उसके अंदर कोई उनको लगने करने का खतरा ना रहे। तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट, इसको आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही जो है दोस्तों, आप इस तरह का किड्स आइलैंड डिज़ाइन करा सकते हो आपका किचन अगर ओपन बना हुआ है, या फिर आप फ्रंट से अपने किचन के सेंटर में आइलैंड देने की जगह है, तो ऐसा किड्स फ्रेंडली आइलैंड डिज़ाइन कर सकते हो कम हाइट के अंदर, जिस पर बैठ के बच्चे जो है आराम से खेल भी पाए, और जो अपने उनको ब्रेकफास्ट वगैरह करना है वो वहीं पे आप अपने सामने करा पाओ, ताकि आपको किड्स की सेफ्टी की चिंता ना रहे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गैस सिलेंडर आपको हमेशा किचन के बाहर रखना चाहिए, और फायर एक्सटिंग्विशर हमारे किचन में हमेशा रखना चाहिए, ताकि हम किसी भी समस्या के आने पर उसका समाधान हाथों हाथ कर पाएं। दोस्तों हम आपने पहले भी एक वीडियो बनाया था, इसके अंदर गैस पाइपलाइन डाल के किस तरह से आप सिलेंडर को बाहर रख सकते हो, ताकि आपका जो है किसी तरह का इंसिडेंट किचन के अंदर ना हो गैस लीकेज होने की वजह से, वो आप करवा सकते हो। आपको नया किचन या रिनोवेशन हो कराना ही कराना चाहिए, और आजकल वैसे भी गैस पाइपलाइन लगने वाली है, तो आपके लिए सूटेबल रहेगा कि आप अपनी जो गैस लाइन है वो बाहर तक, अपने घर के बाहर तक ला के दे दो, वहीं पर सिलेंडर रख दो, ताकि जब पाइपलाइन आए तो वहीं से कनेक्ट हो जाए। दूसरा पॉइंट ये दोस्तों, फायर एक्सटिंग्विशर हमेशा रेडी टू यूज, हमेशा अपडेटेड चेक्ड वर्जन हमें फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए, क्योंकि उसका जो पाउडर फॉर्म रहता है वो हमेशा एक्सपायर होता रहता है, वो भी चेक करते रहिए अगर ऑलरेडी लगाया हुआ है तो। अगर नहीं लगाया हुआ है तो एक छोटा वाला गैस सिलेंडर फायर एक्सटिंग्विशर का अपने किचन में हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वही ऐसा साधन होता है जिससे आप ऑक्सीजन कटआउट करके किसी भी अगर फायर वगैरह लग जाती है आपके किचन में तो आप उसको बुझा सकते हो। तो ये अपना लास्ट पॉइंट था रिगार्डिंग किट सेफ्टी। ये हमारा जो वीडियो था रिगार्डिंग, किसी का कमेंट था कि हमारे घर में बच्चे हैं, हम किस तरह से हमारे किचन को सेफ रखें उन बच्चों के लिए, तो मेरे को लगा ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है, इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए कि मॉड्यूलर किचन को अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं, तो क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रख के आप किड्स फ्रेंडली बनाएं। इसके अलावा हम भी ऑनलाइन किचन की डिज़ाइनिंग प्रोवाइड करते हैं, और उसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपकी फैमिली साइज़ के अनुसार, फैमिली का कैसे बच्चे हैं, कितने हैं, उसके हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं। तो उससे रिलेटेड हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आ रहा है, अगर आप भी अपने किचन का डिज़ाइन कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके हमें बता सकते हैं। इसी तरह से मॉड्यूलर किचन के ऊपर नई नई और लेटेस्ट जानकारी हम लाते रहते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहिए, देखते रहिए GM फर्नीचर। थैंक यू सो मच।